फ्रेंड्स आज की ये वीडियो टेलीग्राम की है। एक हमारे व्यूअर हैं राजेश कुमार जी, जिन्होंने पूछा है हेलो सर जी, अगर दुकान में टैली चलाना है तो कंपनी में क्या डालें, दुकान का नाम डालें या मालिक का नाम डालें, अगर दोनों में से किसी एक का नाम डालते हैं तो क्या कैपिटल अकाउंट का यूज होगा कि नहीं होगा। चलिए इन सभी बातों को जानेंगे। सबसे पहले तो क्या करते हैं, कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी बनाने के लिए आपको F3 शॉर्टकट की प्रेस करनी है, यहाँ से F3 प्रेस कीजिए, और F3 प्रेस करने पर यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास कंपनी क्रिएशन का न्यू फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें कंपनी क्रिएशन करना है, तो कंपनी क्रिएशन करने के लिए जिस भी नाम से आप कंपनी बनाना चाहते हैं, लाइक मैं यहाँ पर कर देता हूँ KK जनरल स्टोर, तो ये लिख दिया मैंने KK जनरल स्टोर। तो ये हमने कर दिया। अभी हम इसको छोड़ते हैं, हम सीधा कहां आ जाते हैं, इसको एक्सेप्ट करवाते हैं कंट्रोल से। कंट्रोल से एक्सेप्ट करवाने पर कहां आ जाना है, सीधा यहां पे आ जाना है। अब देखिए ये कंपनी तो बन गई आपकी, लेकिन अभी किसी वाउचर में एंट्री पास नहीं हुई है। चलिए कैश रिसीव कराते हैं, तो बी प्रेस करता हूं कैश रिसीव कराने के लिए, और यहां से बी प्रेस करने के बाद कहां चलना है, रिसिप्ट वाउचर में जाना है। F6 बटन प्रेस कर दीजिए, फंक्शन बटन, ये आ गया। अभी आप देख पा रहे होंगे कि हम सिंगल एंट्री मोड में है, तो डबल एंट्री मोड में जाने के लिए आपको क्या करना, चेंज मोड, तो यहाँ चेंज मोड पर आ जाइए, डबल एंट्री कर दीजिए, सिंगल एंट्री से आ जाइए डबल एंट्री, तो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट दिखाई पड़ने लगेगा। हालांकि आप चाहे तो सिंगल एंट्री मोड में भी एंट्री पास कर सकते हैं। तो यहाँ क्रेडिट में हमेशा कैपिटल अकाउंट आएगा जब भी आप बिजनेस की शुरुआत करेंगे। बिजनेस में शुरुआत होने वाले पैसे, बिजनेस में लगाए जाने वाले पैसे को हम कैपिटल के नाम से जानते हैं, तो यहाँ कैपिटल अकाउंट कर दीजिए, ठीक है। और ये जाएगा अंडर कैपिटल अकाउंट। आप यहाँ पर देखिए मेलिंग डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है, तो जो भी आपका जनरल स्टोर है, ठीक है, उसी जनरल स्टोर के नाम से आप यहां पर दे सकते हैं। लाइक यहां पर लिख दीजिए KK जनरल स्टोर, ठीक है, जनरल स्टोर, तो ये जनरल स्टोर कर दिया हमने इस तरीके से। और आप यहां पर चाहे तो ओनर का नाम दे दीजिए, लाइक मान लीजिए राम कुमार ओनर का नाम है, तो यहां लिख दीजिए राम कुमार, या जो भी ओनर का नाम है आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से डाल देंगे तो ये हो जाएगा। आप यहाँ पर एड्रेस वगैरह डाल दीजिएगा, फिलहाल मैंने छोड़ा है, एड्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। तो यही तो ये एंट्री है, यहाँ पर कैपिटल अमाउंट होगी। अब यहाँ पे सीआर आ रहा है, तो आप यहाँ पे डीआर लिख दीजिए ना, कीबोर्ड से एंटर कर दीजिए, और यहाँ पर कैश कर दीजिए, बस कहानी खत्म। यहाँ पर कितना रुपए कैश आपने इन्वेस्ट किया वो आपको देना है, तो वो चीज मैंने अभी दिया नहीं है, तो यहाँ पर आके पहले वो दे देता हूँ। लाइक मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने 80,000 रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है, तो ये हमने दे दिया और यहाँ पे कैश कर दिया। तो यहाँ पे कैश में भी 80,000 आपको डालना है, और ऊपर भी 80,000 रहेगा, एंट्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। यही तो एंट्री है। अब इसके बाद अगर आपको इसका प्रिंट देखना होता है, दो बार डी प्रेस करके आ जाइए रिसेप्ट वाउचर में, और यहाँ से आर्ट के साथ पी प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, और यहाँ से इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से इसका प्रीव्यू आएगा, ये देख सकते हैं, ये प्रीव्यू है। तो यहाँ पे KK जनरल स्टोर आ रहा है, देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि प्रिंट की सेटिंग कुछ करना चाहते हैं कि नाम भी प्रिंट ऊपर आए, तो आपको प्रिंटिंग की सेटिंग में जाना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्फिगर बटन पर जा करके, और फिर यहाँ पर पार्टी एड्रेस चाहते हैं, पार्टी नेम चाहते हैं, क्या चाहते हैं, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं सारा कुछ। ये बहुत इजी है। यहाँ पे शो मोड पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको और भी चीजें देखने को मिल जाएंगी, और फिर अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर लीजिएगा। जो भी चीजें आपको चाहिए वो सारी चीजें यहाँ पर प्रिंट होकर आएंगी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।